हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और दो वीडियो आज की डेट में आ चुकी है दोनों स्विंग ट्रेड के पर्पज से एक एक ट्रेड आपको छह दिन के लिए लेनी है मतलब फ्राइडे तक की जो भी कंक्लूजन आ जाए जितने भी रिटर्न मिल जाए आपको बेच के निकलना है अगर बात करें यहाँ पर दूसरा शेयर से रिलेटेड दूसरा शेयर यहाँ पर है दो शेयर से रिलेटेड यहाँ पर बातें करी है जो कि अगले क्वार्टर से रिजल्ट से पहले आपको 20 से 30 परसेंट रिटर्न देते हुए नजर आएगा तो देखिए बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं दी जाती आपको अपनी स्टडी करनी होती है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेनी होती है और स्टडी करने के लिए कैसे स्टडी की जाती है वो हम सिखाते हैं तो उसके लिए आप हमारी वीडियो को फॉलो करो और अभी

फायदा हो जाएगा तो देखिए चाहे पर पर आपको 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 के के बदले पांच आप, के बदले शेयर शेयर मिले मिले लॉस होने वाला है हो ऐसा नहीं है बातें कर रहा हूं तो मैं बता रहा हूं मैं भी इस, इस, आ, अभी चाहूं तो मैं भी इन्वेस्ट कर सकता हूं मैं, मैंने यहां पर इन्वेस्ट नहीं किया मैं इन्वेस्ट करूंगा कब इन्वेस्ट करूंगा उससे रिलेटेड भी हम बातें करेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं बट बिफोर द आगे बढ़े लाइक करना बिल्कुल भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दूसरी वीडियोस को भी यहाँ पर देखिए तो देखिए आज के दिन में अगर देखें यहाँ पर आई आर तो देखिए चार लाख शेयर ओके पच्चीस परसेंट के शेयर लगभग यहाँ पर किस में डिलीवरी बेसिस पे उठाए गए डिलीवरी बेसिस का मतलब क्या है कि ये स्टॉक्स उठाए गए हैं इसके रिजल्ट से रिलेटेड इसके स्प्लिट की न्यूज से रिलेटेड तो देखिए जब तक यहाँ पर स्टॉक नहीं भाग रहा था लोग इतना इसे तवजुब नहीं दे रहे थे धीरे इसे खरीदते थे बेचते थे इस तो इसमें क्या ट्रेडिंग ज्यादा चल रही है यहाँ पर शेयर ऊपर जाता था फिर नीचे आता फिर ऊपर जाता जा रहा था फिर नीचे तो अगर बात करें तो देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट एज वेल एज स्टॉक स्प्लिट की यहाँ पर न्यूज है बारह अगस्त को बारह अगस्त से पहले ओके अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर शेयर में कुछ भी यहाँ पर आपको एक कंसोलिडेशन फेज मिलेगा जो इसे भागना था वो मंडे को, okay, को बारह अगस्त तक इसी तरीके से यहाँ पर करता अगर आप सोच रहे हो कि ये स्टॉक सत्ताईस सौ चले जाएगा अट्ठाईस सौ चले जाएगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला ये सब कुछ डिपेंड करेगा इसके रिजल्ट से अगर इसके रिजल्ट अच्छे आए ओके तो क्या होगा तो ये शेयर भागेगा अगर इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट की न्यूज है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर ये कंसोलिडेट करेगा इवन ये थोड़ा सा यहाँ पर गिर भी सकता है स्टॉक स्प्लिट की न्यूज uh, बेशक से कैसी भी हो uh, यहाँ पर गिरने के भी चांसेस रहेंगे तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आई का जो ये शेयर है ओके okay, इसके रिजल्ट कैसे आ, आ सकते हैं उससे रिलेटेड हम एक बार आपको uh, देख लेते हैं एक आइडिया हमें लग जाएगा कि कैसे रिजल्ट आ सकते हैं देखिए रिजल्ट देखने के क्वार्टरली और इयरली बेसिस पर देखते हैं क्वार्टरली बेस की बात करें देखिए यहां पर इस वाले पेंडेमिक में कुछ टाइम के लिए यहां पर लॉकडाउन लगे थे थोड़ा स्ट्रिक्ट

भागेगा तो यहां पर क्या हो सकता है यहां पर एक चीज हो सकती है कि यहां पर थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉक भागेगा अगर थोड़ा सा स्टॉक भाग भी लिया तब भी आपको फायदा नहीं होने वाला ओके अगर ये स्टॉक मान लीजिए अः पच्चीस का स्टॉक चल रहा है चौबीस के आसपास और ये छब्बीस भी चले जाता है तो मैं आपको बता रहा हूं तब भी आपको फायदा नहीं होने वाला तब या तो आपके पैसे इक्वली रहेंगे या फिर आपको लॉस होता हुआ दिखाई देगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि देखिए हिस्ट्री रही है जब भी किसी चीज ने जब भी किसी स्टॉक ने यहाँ पर स्प्लिट दिया है या फिर यहाँ पर किसी भी स्टॉक ने बोनस दिया है बोनस और स्प्लिट आने के बाद वो स्टॉक्स में गिरावट हुई है ओके यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो की अगर मैं बात करू सॉरी हम यहाँ पर ये यह चार्ट चला गया तो अगर मैं बात करूं देखिए इस वीडियो में भी मैंने इसी तरीके की चीजें आपको कुछ बताई है बट बत आपको दोबारा मैं एक बार बता देता हूं देखिए एल्काइल अमाइंस यहां पर ये स्टॉक है ये स्टॉक का यहाँ पर आ, आ, क्या यहाँ पर शायद ये स्प्लिट हुआ था स्प्लिट होने के बाद यहाँ पर गिरा गिरने के बाद देखिए कितना गिरा ये चार हजार के लगभग का स्टॉक था ये चौतीस सौ तैतीस सौ के आसपास आ गया था और फिर आज की डेट में भाग गए तो आपको कब इन्वेस्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा बट आपको आ, कब आपको निकल जाना है दो तरीके से आपको बताऊंगा स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से और आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से तो सबसे पहले और यहाँ पर अगर और भी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ और आपको हिस्ट्री से पहले रूबरू करा देता हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं यहाँ पर फोर्टी से तैतीस सौ रुपए पे आया था तो यहाँ पर अच्छी खासी नौ सौ रुपए की गिरावट हुई थी इसके अलावा हम बात करते हैं और भी शेयर से रिलेटेड वरुण बेवरेजेस वरुण बेवरेजेस देखिए अभी यहाँ पर बोनस दिया था यहाँ पर एक हजार रुपए पे आया था और यहाँ पर कितने रुपये पे आ गया था सात सौ रुपए पे मतलब नौ सौ रुपए का स्टॉक सात सौ रुपये पे आ गया था दो सौ रुपए की यहाँ पर गिरावट हुई थी इसके अलावा और भी आप चीजें देखना चाहते हैं मैं आपको पूरी हिस्ट्री है मेरे पास मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर देखिए देखिये ग्लोबल ये एक हजार रुपये पे था आज भी यहाँ पर ये कितने पे आ गया था ये सात साढ़े सात सौ रुपये ढाई सौ रुपए की यहाँ पर गिरावट और भी आपको अगर देखना है तो यहाँ पर और भी दिखा देता हूँ यहाँ पर देख लीजिए आरती डक्स मे, मेरे सारे जहन में है यहाँ पर देखिए हजार रुपये पे था आज भी छः सौ पे चल रहा है छः साढ़े छः सौ पे आज भी तीन सौ रुपये की यहाँ पर गिरावट है तो ये कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब मेरा सिंपल है कि आप चाहे इन्वेस्ट अभी कर लीजिए, ओके, चाहे जाएगा तो, ऐसा कुछ नहीं होना, तो आप एक काम कर सकते हैं जब भी स्टॉक स्प्लिट हो जिस दिन स्प्लिट होगा उस दिन आपको मॉर्निंग में जैसे स्टॉक में थोड़ी सी जंप दिखाई देगी लगभग दो परसेंट तीन परसेंट होता है वो सारे स्टॉक्स में कि वो भागते हुए दिखाई देते हैं तो वहां पर आप एग्जिट करिए क्योंकि एग्जिट करने के बाद अगर सोचते हैं कि ये समझ लीजिए कर लीजिए, पच्चीस के बदले पांच हमें यहाँ पर स्टॉक मिले ओके तो पांच का यहाँ पर फेस वैल्यू हो गया तो इसके इसमें क्या होगा हमें पांच शेयर सॉरी यहाँ पर अगर हम बात करें पांच शेयर मिले पांच का फेस वैल्यू नहीं दो का फेस वैल्यू हुआ तो अगर हम बात करें आ, शेयर हमें मिले तो यहां पर पांच सौ रुपए के लगभग यहां पर ये यह शेयर उस दिन होता हुआ दिखाई देगा जब पांच सौ रुपए पे होता हुआ दिखाई देगा तो यहां पर उसके लगभग कंसोलिडेट करती है चीजें उसके बाद चीजें नीचे आती है लोग बेचना शुरू करते हैं तो होता क्या है कि उस केस में शेयर का ना आपको चार सौ और साढ़े चार सौ रुपए दिखाई देगा और चार सौ से भी नीचे आ सकता है इस चीज को हमेशा याद रखिएगा तो इसलिए आपको अगर आप चार सौ रुपए आपने इन्वेस्ट किए कितने पच्चीस सौ रुपए आपके पांच शेयर कितने आपको एक की जगह मिल गए पांच शेयर ओके आपके इक्वल रहा बट अगर वही शेयर पांच सौ का चार सौ आ गया तो आपका कितना हो गया दो हजार रुपए आपके पांच सौ बीस रुपए हो गया आपको लॉस कितना हो गया पांच सौ रुपए का लॉस हो गया तो इस चीज को समझ के लीजिए अभी यहां पर देखिए स्टॉक काफी बेहतरीन है ओके okay, जंप भी दिखा सकता है मैं ये नहीं कह रहा हूं बट एक अच्छी जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड हो गए एच एंड एफ आई आई हो गए वो यहां पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और उन्हें नहीं पता क्या स्प्लिट की न्यूज आई हुई है जब उन्हें पता है स्प्लिट की न्यूज आई है उन्हें भगाना होता तो फिर वो इस स्टॉक को तीन हजार रुपये भगा देते जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजी को भगाया था बट यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं इसके रिजल्ट से रिलेटेड लोगों को अभी कंफर्म नहीं है कि किस तरीके के रिजल्ट आएंगे वो भी चीज इस पर डिपेंड करेगी ओके और दस स्टॉक भी मिल गए स्टॉक मिल गया। यहाँ पर धाई, धाई तो पचास में वो भी पांच सौ रुपए आ गया ठीक है और दो सौ के नीचे आ गया वो शेयर। तो यहाँ पर समझिए दो सौ रुपए के नीचे आ गया तो और दो सौ अक्खा होता तो आपको यहाँ पर कोई फायदा नहीं है आपको इन्वेस्ट कब करना है आपको इन्वेस्ट करना है तब जब यहां पर ये यह स्टॉक स्प्लिट हो जाए स्प्लिट होने के बाद क्या होगा स्प्लिट होने के बाद ये ए, ये स्टॉक एक दायरे में आएगा जैसे कैसे आएगा दायरे में एक अपनी रेंज बनाएगा जैसे कि यहाँ पर देखिए वरुण यहाँ पर आया आने के बाद यहां पर कुछ दिन तक यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया जितना गिरना होगा दो चार दिन में गिर लेगा फिर इसका कंसोलिडेट करेगा और जिस दिन वो कंसोलिडेट करे जैसे वरुण बेवरेज हो गया और भी स्टॉक से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ ओके यहाँ पर डिक्सन से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी यहां पर गिरता हुआ दिखाई दे गिरने के बाद तीन चार पांच दिन उसी एक रेंज में छत्तीस सौ से लेकर 3300 सौ की रेंज में यहां पर घूमता रहा यहां पर बाय ऑन डिप्स करके आप पैसा लगा सकते हो इसके बाद और भी कितने भी स्टॉक्स ले लीजिए जितने भी आ, आपके यहाँ पर जो भी हुआ है इनमें कॉर्पोरेट एक्शन बोनस से स्प्लिट का हुआ है तो इसी तरीके से आईआरसीटीसी की बात करें जब ये गिरेगा तो यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई देगा और जब ये नीचे आता हुआ दिखाई देगा तो कंसोलिडेट करेगा दो तीन दिन जिस दिन यहाँ पर कंसोलिडेट करना शुरू कर दे यहाँ पर शेयर खरीदना शुरू कर दीजिएगा और फिर यहाँ पर बायोन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिएगा और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर रखिए फिर वही अगर यहाँ पर समझिए ढाई सौ रुपये पर यहाँ पर दस रुपये दस शेयर दे दिए तो ढाई सौ वालों को पाँच सौ होने में आपको छः महीने से ज़्यादा

रखिए, रखोगे तो अच्छे खासे पैसे पर बनेंगे तब तक पर है यहाँ पर आपके सारे पैसे बनते हुए दिखाई देंगे तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन फैन शेयर की हेल्प लेनी है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना है हमारी लाइक तो डेफिनेटली कर दीजिए शेयर भी करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस